स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला मुख्य परीक्षा तैयारी। मानव शरीर की संरचना और शरीर प्रणाली और उनके कार्य। द ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर एंड बॉडी सिस्टम्स एंड देयर फंक्शंस पार्ट 3। अस्थि पंजरीय तंत्र स्केलेटन सिस्टम। अस्थि पंजर शरीर का अस्थिमय ढांचा होता है। मानवीय अस्थि पंजर की बनावट आश्चर्यपूर्ण है, जो शरीर को सीधे और गतिमान रखने में सहारा देती है। अस्थि पंजर की बनावट और उनके कार्य। स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ द स्केलेटन। वयस्क मानवीय शरीर के अस्थि पंजर में 206 विभिन्न अस्थियां तथा उनके जोड़ों में जुड़े रहने में सहायक उपास्थियां और अस्थिबंध होते हैं। अस्थि पंजर के निम्न भाग होते हैं। नंबर 1, खोपड़ी स्कल की बनावट में अस्थियां 29, जिनमें मध्य कर्ण की अस्थियां और हायर्ड अस्थि सम्मिलित हैं। नंबर 2, रीढ़ सुषुम्ना वर्टिब्रल कॉलम 26 पृथक अस्थियां। नंबर 3, बच्छ थोरैक्स पसलियां 12 जोड़ी और अरोस्ते 25। नंबर 4, हाथ हैंड प्रत्येक में 32 अस्थियां 64। नंबर 5, पैर लेग प्रत्येक में 31 अस्थियां 62। कुल 206 अस्थियां। अस्थियों के प्रकार टाइप्स ऑफ बोन्स। नंबर 1, लंबी अस्थियां लॉन्ग बोन्स, ये अग्रबाहु पैर और उंगलियों में रहती हैं तथा अंगों की हलचल में उत्तोलक का कार्य करती हैं। नंबर 2, छोटी अस्थियां शॉर्ट बोन्स, जैसे कलाई और टखने की अस्थियां होती हैं। नंबर 3, सपाट अस्थियां फ्लैट बोन्स, इनमें पसलियां कंधे के फलक और खोपड़ी की अस्थियां सम्मिलित हैं। नंबर 4, अनियमित आकार की अस्थियां इरेगुलर बोन्स, जैसे चेहरे और रीढ़ की अस्थियां होती हैं। अस्थि पंजर किए ऊतक स्केलेटल टिश्यूज। अस्थि सख्त और मजबूत लेकिन वजन में हल्की रहती है। शरीर के वजन का 1/5 भाग अस्थि पंजर का वजन रहता है। अस्थि भंग की स्थिति में यदि टूटे सिरे आपस में बराबर मिलाकर स्थिर रखे जाएं तो 2 या 3 मास में अस्थि की स्वयं मरम्मत हो जाती है। मजबूत और स्वस्थ अस्थियों तथा अस्थि भंग की मरम्मत के लिए हमारे आहार में कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन सी और डी जैसे पोषक तत्वों का होना आवश्यक होता है। स्केल्टन मसल्स, स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल्स। अस्थिपंजरीय ऊतक की संरचना स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटन टिश्यू। नंबर 1, पेरिओस्टियम, यह अस्थि का बाह्य आवरण होता है जिसमें रक्त वाहिकाएं और स्नायु रहते हैं। नंबर 2, ठोस अस्थि कॉम्पैक्ट बोन, यह अस्थि ऊतक की मजबूत बाह्य परत है जो मुख्यतः कैल्शियम और फास्फोरस की बनी होती है। नंबर 3, कंसेलस अस्थि अंदरूनी, यह छिद्रयुक्त अंदरूनी अस्थि होती है जिसके छिद्रों के मध्य काफी मात्रा में छोटे छोटे रिक्त स्थान होते हैं। इसकी वजह से अस्थियां हल्की होती हैं। नंबर 4, अस्थि मज्जा बोन मैरो, यह अस्थि का अंदरूनी मुलायम ऊतक होता है। लाल अस्थि मज्जा रेड बोन मैरो, यह कंसेलस अस्थि के मध्य रिक्त स्थान को घेरता है। लाल अस्थि मज्जा में लाल रक्त कोशिकाएं और कुछ मात्रा में सफेद रक्त कोशिकाएं बनती हैं। पीला अस्थि मज्जा एलो बोन मैरो, यह बसीय कोशिकाओं से बनता है। पीला अस्थि मज्जा लंबी अस्थि नाल के मध्य रिक्त स्थान घेर कर उन्हें हल्का बनाता है। नंबर 5, उपास्थि कार्टिलेज, यह सख्त और रबर के समान लचीला झुर्रीदार ऊतक होता है जो कुछ हड्डियों के साथ जुड़ा होता है, जैसे नाक और पसलियों के सिरे। शिशुओं तथा बालकों की अस्थियों में उपास्थियां काफी मात्रा में होती हैं जो वृद्धि के साथ ही अस्थियों में परिवर्तित हो जाती हैं। बालकों में चोटग्रस्त अस्थि भंग होने की बजाय मुड़ जाती है, जिसे वक्र अस्थि भग्न ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर कहते हैं। नंबर 6, अस्थिबंध लिगामेंट्स, ये रेशेदार ऊतकों के बने होते हैं तथा अस्थियों को जोड़ों में एक साथ बांधे रहते हैं। जब किसी जोड़ के समीप के अस्थिबंध चोटग्रस्त होते हैं होने से अस्थि भंग के बिना खिंच
और फट जाते हैं, तब उसे मोच स्प्रेन आना कहते हैं। अस्थिपंजर के कार्य, फंक्शंस ऑफ द स्केल्टन, शरीर को सहारा और आकार देना, अंदरूनी अंगों की सुरक्षा करना, पेशियों की सहायता से हलचल करना, रक्त कोशिकाएं बनाना। खोपड़ी, द स्कल, खोपड़ी के दो भाग होते हैं, नंबर वन कपालास्थि क्रेनियम, यह बक्से के समान होती है जिसमें मस्तिष्क सुरक्षित रहता है, नंबर टू चेहरे की अस्थियां। कपालास्थि, द क्रेनियम, आठ अस्थियों की बनी होती है, एक फ्रंटल अस्थि जो कपाल माथा बनाती है और आंखों की सुरक्षा में सहायक होती है, दो पैराइटल अस्थियां जो खोपड़ी के दोनों ओर का ऊपरी भाग बनाती हैं और मध्य में जुड़ी होती हैं, दो टेम्पोरल अस्थियां जो खोपड़ी के दोनों ओर का निचला भाग बनाती हैं, यह कानों के अंदरूनी अंगों की सुरक्षा करती हैं, एक ऑक्सीपिटल अस्थि जो सिर का पिछला भाग और खोपड़ी के आधार का कुछ भाग बनाती है, इसमें स्पाइनल कॉर्ड को आर पार जाने के लिए एक बड़ा छेद रहता है, एक स्पिनॉइड अस्थि, यह खोपड़ी के आधार का एक भाग बनाती है, इसका आकार चमगादड़ के फैले हुए पंख के समान होता है, इसमें पिट्यूटरी ग्रंथि के लिए छोटी सी जगह होती है, एक एथमाइड अस्थि, यह नाक की छत बनाती है तथा आँखों में मध्य स्थित होती है। चेहरे, द फेस में निम्न 14 अस्थियां होती हैं, दो नेजल अस्थियां जो नाक का बासा नोज ब्रिज बनाती हैं, दो लैक्रिमल अस्थियां जो आँखों के समीप स्थित होती हैं और इनमें अश्रुवाहिकाएं रहती हैं, दो गालों की अस्थियां चीक्स बोन, दो ऊपरी जबड़े की अस्थियां अपर जा बोन्स जिसमें ऊपरी दांत स्थित होते हैं, दो पैलेट अस्थियां जो ऊपरी जबड़े की दोनों अस्थियों को जोड़कर सख्त तालु हार्ड पैलेट बनाती हैं, दो मुड़ी हुई अस्थियां कर्ड बोन्स जो नाक की दोनों बाजुएं बनाती हैं, एक भोमर अस्थि जो तालु के सहारे स्थित रहती है तथा नाक को अंदर से दोनों भागों में विभक्त कर देती है, एक निचले जबड़े की अस्थि लोअर जाबोन जिसके दो भाग होते हैं, आड़े भाग पर निचले दांत स्थित होते हैं और दो खड़े भाग टेम्पोरल अस्थि से मिलते हैं, दोनों बाजू के जबड़े के कोण एंगल ऑफ द जा प्राथमिक सहायता की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं, खोपड़ी की सब अस्थियां सिर्फ निचले जबड़े को छोड़कर आपस में स्थिर जोड़ों के द्वारा जुड़ी होती हैं जिन्हें संधि रेखाएं स्यूचर्स कहते हैं। साइनसस, विवर, खोपड़ी की कुछ अस्थियों में रिक्त स्थान होते हैं जिनका नाक से संबंध रहता है और उनमें हवा रहती है, साइनसस खोपड़ी को हल्का बनाते हैं तथा आवाज की ध्वनि में सहायता करते हैं, साइनसस में होने वाले संक्रमणों को साइनोसाइटिस कहते हैं, आँखों के ऊपरी विवर फ्रंटल साइनस और ऊपरी जबड़े की दोनों बाजुओं में स्थित एंट्रम साइनस प्रमुख विवर होते हैं। हायड अस्थि, हायड अस्थि, यह गर्दन के ऊपर भाग में स्थित घोड़े के नाल के आकार की छोटी अस्थि है, जीभ की पेशियां इस अस्थि से जुड़ी रहती हैं। रीड, द वर्टिब्रल कॉलम, रीढ़ कामा अस्थि पंजर का मध्य भाग होती है, यह सिर को सहारा देती है और स्पाइनल कॉर्ड का बाह आवरण बनाती है, यह 33 अनियमित आकार की अस्थियों से बनी होती है जिन्हें वर्टिब्री कहते हैं, किंतु कुछ अस्थियां आपस में जुड़ी होती हैं और इस वजह से 26 विभिन्न अस्थियों से रीढ़ बनती है। रीढ़ के भाग, पार्ट्स ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, 7 सर्वाइकल वर्टिब्री जो गर्दन क्षेत्र में होती हैं, पहली सर्वाइकल वर्टिब्रा को एटलस तथा दूसरी सर्वाइकल वर्टिब्रा को एक्सिस कहते हैं जो सिर हिलाने और घुमाने के लिए महत्वपूर्ण होती है, 12 डार्सल या थोरेसिक वर्टिब्री जो वक्ष के पीछे की ओर स्थित होती हैं, पसलियाँ इन वर्टिब्री से जुड़ी होती हैं, 5 लंबर वर्टिब्री जो कमर के क्षेत्र में स्थित होती हैं, आधार देने की दृष्टि से यह
बड़ी मजबूत होती हैं। 5 सैक्रल वर्टीब्री आपस में जुड़कर एक सैक्रम बनाते हैं जो एक त्रिकोणाकार और सामने की ओर से खोखली अस्थि होती है। सैक्रम श्रोणि बनाने में सहायक होती है। 4 कॉक्सिशियल वर्टीब्री पूंछ क्षेत्र की 4 छोटी वर्टीब्री जुड़कर एक त्रिकोण आकार अस्थि बनती हैं जिसे कॉकिक्स कहते हैं। यह सैक्रम के निचले भाग से जुड़ी होती है। जब हम किसी टिपिकल वर्टीब्रा की ओर देखते हैं तब वह निम्न भागों की बनी हुई दिखाई देती है। मुख्य अंग जो अगली ओर से अस्थिपुंज बॉडी मास होता है। मुख्य अंग के पीछे छिद्र होता है जो स्पाइनल कॉर्ड को मार्ग देता है। प्रवर्ध या प्रोसेस जो पीछे की ओर मुड़ा हुआ और कांटे के समान आकार का होता है। 2 प्रोसेस जो मुख्य अंग के दोनों ओर आड़े स्थित होते हैं। 4 छोटे प्रोसेस जो ऊपरी और निचली वर्टिब्री के साथ संयुक्त हलचल के लिए होते हैं। वर्टिब्री के बीच की मंडल डिस्क उपास्थि इंटरवर्टिब्रल डिस्क। वर्टिब्री के मुख्य अंगों के मध्य उपास्थि का मोटा पैड होता है जिसे मंडल उपास्थि या डिस्क कहते हैं। ये रीढ़ की हलचल में सहायक होती है और आघात अवरोधक का कार्य करती है। वर्टिब्री कमपेशियों और अस्थिमद्धों की सहायता से जो पिछले और आड़े प्रोसेसों से जुड़े रहते हैं आपस में संबंधित होते हैं। रीढ़ के कार्य फंक्शंस ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। नंबर 1 हलचल मूवमेंट। रीढ़ की रचना एक अस्थि से ना होकर कई छोटी अस्थियों द्वारा होती है और उनके बीच उपास्थियों की डिस्क होती है। इसी कारण से आगे कमा पीछे कमा आजू बाजू की हलचल तथा सिर को घुमाना और हिलाना संभव होता है। नंबर 2 सहारा सपोर्ट। सिर और उदर के अंदरूनी अंगों के वजन को रीढ़ सहारा देती है। नंबर 3 सुरक्षा प्रोटेक्शन। रीढ़ कमा स्पाइनल नाल में स्थित स्पाइनल कॉर्ड का सुरक्षात्मक बाह्य आवरण बनाती है और मंडल उपास्थियों की गद्देदार प्रतिक्रिया की सहायता से उसकी चोट से सुरक्षा करती है। नंबर 4 संतुलन बैलेंस। शरीर की सीधी सही स्थिति इरेक्ट पोस्चर रीढ़ में रहने वाले घुमावों की वजह से ही संभव होती है। बच द थोरेक्स। बच सामने की ओर से अरोस्थि और कास्टल उपास्थियों व दोनों बाजुओं की ओर से पसलियों तथा पीछे की ओर से 12 डार्सल थोरेसिक वर्टिब्री से बनता है। अरोस्थि द स्टर्नम यह नीचे की ओर झुके हुए खड़ग के आकार की चपटी अस्थि होती है। इसका सिरा उपास्थि के द्वारा बना रहता है जिसे खड़गाकार अरोस्थि जिफी स्टर्नम कहते हैं। इसका ऊपरी भाग हत्तों के समान होता है जो दोनों ग्रीवा अस्थियों से कॉलर बोन्स से जुड़ा होता है। कॉस्टल उपास्थि एक बाजू अरोस्थि से तथा दूसरी बाजू मुख्य पसलियों ट्रू रिप्स से जुड़ी रहती है। पसलियां द रिप्स ये 12 जोड़ी कम चपटी और मुड़ी हुई अस्थियां होती हैं। ऊपरी 7 जोड़ी मुख्य पसलियां ट्रू रिप्स कहलाती हैं। ये अरोस्थि से कास्टल उपास्थि द्वारा जुड़ी रहती हैं। अगली निचली 5 जोड़ी गॉड पसलियां फाल्स रिप्स कहलाती हैं क्योंकि ये अरोस्थि से सीधी न जुड़ी होकर ऊपरी मुख्य पसलियों के माध्यम से जुड़ी होती हैं। अंतिम 2 जोड़ी पसलियां अरोस्थि से बिल्कुल संबंधित जुड़ी हुई नहीं होती हैं और उन्हें चलायमान पसलियां यानी फ्लोटिंग रिप्स कहा जाता है। बच्च के कार्य फंक्शंस ऑफ द थोरेक्स। नंबर 1 हृदय फुफ्फुस कामा एकृत कामा उदर और प्लीहा की सुरक्षा करना। नंबर 2 स्कंद मेखला शोल्डर गर्डल की अस्थियों और स्तनों को सहारा देना। नंबर 3 श्वसन क्रिया में महत्वपूर्ण होना। ऊपरी भुजा हाथ की अस्थियां बोन्स ऑफ द अपर लिम्स। प्रत्येक हाथ में 32 अस्थियां होती हैं। नंबर 1 ग्रीवास्थि हसली कॉलर बोन। नंबर 2 स्कंधास्थि शोल्डर बोन।
ये दोनों जुड़कर सामने वाली बाजू की समान जोड़ी के साथ मिलकर स्कंद मेखला बनाती हैं। एक ह्यूमरस कम ऊपरी बाहु की अस्थि, एक रेडियस कम अग्रबाहु की अस्थि, एक अल्ना अग्रबाहु की आंतरिक अस्थि, 8 कार्पल कलाई की अस्थियां, 5 मेटाकार्पल हथेली की अस्थियां, 14 फैलेंजक्स उंगलियों की अस्थियां, ग्रीवास्थि क्लेवकल और कॉलर बोन। दोनों बाजू में एक लंबी अस्थि होती है जिसमें दो घुमाव होते हैं। इसका भीतरी सिरा अरोस्थि से और बाहर सिरा कंधे के फलक से जुड़ा होता है। स्कंदास्थि शोल्डर ब्लेड स्कैपुला, यह बच्चे के पिछले कम ऊपरी और बाह्य भाग में दोनों बाजू एक एक अस्थि होती है। यह बड़ी चपटी त्रिकोणाकार अस्थि है जिसका उभार पीछे की ओर होता है। यह कंधे का जोड़ शोल्डर ज्वाइंट बनाती है। ह्यूमरस अस्थि, यह लंबी अस्थि होती है जिसका कंधे के समीप का ऊपरी सिरा गोलाकार और कोहनी के जोड़ इल्वो ज्वाइंट के समीप का निचला सिरा चौड़ा होता है। रेडियस तथा अल्ना कोहनी के जोड़ से कलाई के जोड़ तक पहुंचने वाली अस्थियां होती हैं। कार्पस कलाई रिस्ट द कार्पस बोन, ये असमाकृति छोटी छोटी 8 अस्थियां होती हैं जो ऊपरी प्रॉक्सिमल और निचली डिस्टल कतार में प्रत्येक में 4 जमी रहती हैं। मेटाकार्पस हथेली, ये 5 लंबी अस्थियां होती हैं जो कार्पल अस्थियों की निचली कतार से हलचल पूर्ण जोड़ों की सहायता से जुड़ी होती हैं। फैलेंजेस उंगलियों की अस्थियां, ये लंबी अस्थियां होती हैं। अंगूठे में सिर्फ 2 अस्थियां तथा प्रत्येक उंगली में 3-3 अस्थियां होती हैं। निचली भुजा की अस्थियां बोन्स ऑफ द लोअर लिम्स, प्रत्येक निचली भुजा में 31 अस्थियां होती हैं। एक कूल्हे की अस्थि, एक फीमर की या जंघास्थि, एक पटेला या जानुफलक, नी कैप, 1 टिबिया 1 फिबुला टांग बनाती हैं, 7 टार्सल टखने की अस्थियां, 5 मेटा टार्सल्स पांव की अस्थियां, 14 फैलेंजेस पांव की उंगलियों की अस्थियां। कूल्हे की अस्थि द इनोमिनेट बोन्स, जो प्रत्येक बाजू में एक एक होती हैं, यह सैक्रम से मिलकर श्रोड़ी बनाती हैं। श्रोड़ी गुहा गोलाकार अस्थियों का चक्र रहती है। श्रोड़ी मेखला, श्रोड़ी कम अंदरूनी अंगों की सुरक्षा के अलावा उदर को सहारा देती है और कूल्हे के जोड़ों के लिए गहरे सॉकेट बनाती है। महिलाओं में असल श्रोड़ी ट्रू पेल्विस गोलाकार होती है जिससे प्रसव के समय शिशु का सिर सरलता से बाहर निकल सकता है। पुरुषों में असल श्रोड़ी का आकार लंबा सकरा और हृदय के समान रहता है। बालकों के कूल्हों की अस्थि 3 पृथक अस्थियों की बनी रहती है जो उनके व्यस्त होने पर जुड़कर एक हो जाती है। इसीलिए इस अस्थि के निम्न 3 भाग होते हैं। नंबर 1 इलियम, ऊपरी चपटा भाग जो गॉड श्रोड़ी बनाता है। इसका ऊपरी उभार इलियक क्रस्ट कहलाता है। नंबर 2 इशियम, निचला भारी भाग होता है जो बैठते समय शरीर को सहारा देता है। नंबर 3 प्यूबिस, सामने की ओर का निचला हिस्सा होता है। 2 प्यूबिस अस्थियां जुड़कर सिम्फाइसिस प्यूबिस कहलाती हैं। फीमर जंघास्थि थाई बोन, शरीर की सबसे लंबी और मजबूत अस्थि होती है। इसका ऊपरी हिस्सा कम गोलाकार सिर युक्त होता है जिसकी लंबी व सक्रिय गर्दन होती है। सिर की काट कूल्हे की अस्थि द्वारा बने सॉकेट के उपयुक्त होती है तथा दोनों मिलकर कूल्हे का जोड़ हिप ज्वाइंट बनाते हैं। निचला हिस्सा चौड़ा होता है तथा घुटने के जोड़ नी ज्वाइंट्स बनाने में सहायक होता है। पटेला जानुफलक, पटेला और नी कैप,
यह घुटने के सामने की ओर छोटी अस्थि है। जांग की पेशियों के टंडन्स मांसरज्जु इसे सहारा देते हैं। टिबिया टांग की अंदरूनी बाजू की लंबी अस्थि होती है। यह घुटने व टखने कमर दोनों के जोड़ बनाती है। इसका पैना सिरा टांग के आगे की ओर त्वचा के नीचे महसूस किया जा सकता है। फिबुला टांग की बाह बाजू की पतली लंबी अस्थि होती है। यह घुटने का जोड़ बनाने में हिस्सा नहीं लेती है, किंतु इसका निचला सिरा टखने के जोड़ का बाह भाग बनाता है। टखने की टार्सल अस्थियाँ द टार्सल बोन्स ऑफ द एंकल से 7 छोटी अस्थियाँ होती हैं। इनमें सबसे बड़ी एड़ी की अस्थि होती है। ऊपरी अस्थि टखने का जोड़ बनाती है। मेटाटार्सल्स पाँव के सामने की ओर 5 लंबी अस्थियाँ होती हैं। ये पाँव की उंगलियों को सहारा देती हैं। फेलेंजेस द ट्वाई बोन्स ये हाथ की उंगलियों के समान की संख्या में 14 होती हैं। ये छोटी लंबी अस्थियां होती हैं जो अंगूठे में 2 और अन्य उंगलियों में 3-3 होती हैं। जोड़ और मांसपेशियां जॉइंट्स एंड मसल्स 2 या 2 से अधिक अस्थियां जहां मिलती हों उस स्थान को जोड़ कहते हैं। संयोजी ऊतक जैसे रेशेदार ऊतक कामा उपास्थि कामा अस्थिबंध और मांसरज्जु अस्थियों को नियत स्थान पर रखते हैं। शरीर की समस्त हलचल मांसपेशियों की सहायता से होती है। जोड़ों या संधियों के प्रकार टाइप्स ऑफ जॉइंट्स जोड़ों को अनेक प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। यहाँ संरचना एवं गति के आधार पर जोड़ों के 2 वर्गीकरण प्रस्तुत हैं। संरचना के आधार पर नंबर 1 रेशेदार जोड़ फाइब्रस जॉइंट्स इनमें कोई हलचल नहीं होती है जैसे खोपड़ी की संधि रेखाएं। अस्थियां एक दूसरे से इस प्रकार जुड़ी होती हैं मानो वे आपस में सिली हों। नंबर 2 उपास्थीय जोड़ कार्टिलेजनस जॉइंट्स इनमें 2 अस्थियां आपस में रेशेदार उपास्थि के पैर द्वारा जुड़ी होती हैं जिसकी वजह से थोड़ी हलचल संभव होती है। रीढ़ तथा स्रोड़ी में इस प्रकार के जोड़ रहते हैं। नंबर 3 साइनोवियल स्नेहक कलामय जोड़ इनमें स्वतंत्रता पूर्वक हलचल होती है। भुजाओं और जबड़े में इस प्रकार के जोड़ रहते हैं। इनकी संरचना अधिक जटिल होती है। नंबर 1 आर्टिकुलर उपास्थि नंबर 2 साइनोवियल झिल्ली नंबर 3 आर्टिकुलर कैप्सूल। गति के आधार पर गति के आधार पर जोड़ 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 अचल जोड़ इमोबाइल जॉइंट्स नंबर 2 अल्पचल जोड़ स्लाइटली मोबाइल जॉइंट्स नंबर 3 अबाध चल जोड़ मोबाइल जॉइंट्स। यहाँ अबाध चल जोड़ के प्रकार वर्णित किए गए हैं। नंबर 1 गेंद और सर्किट जॉइंट्स एक अस्थि का गेंदाकार सिरा दूसरी अस्थि की गुहिका में उचित काट द्वारा स्थित होता है जैसे स्कंद जोड़ कामा कूले का जोड़। नंबर 2 हिंज जोड़ हिंज जॉइंट इसमें सिर्फ अंकुचन और प्रसरण की हलचल होती है जैसे कुहनी घुटने तथा उंगलियों के जोड़। नंबर 3 फिसलने वाले जोड़ ग्लाइडिंग जॉइंट इनमें अस्थियां एक दूसरे पर आपस में फिसलने की वजह से काफ़ी स्वतंत्रता पूर्वक हलचल होती है जैसे कलाई और टखने के जोड़। नंबर 4 घुमावदार जोड़ पाइवट जॉइंट इसमें सिर्फ घूर्णन की हलचल होती है जैसे सिर घुमाने की हलचल में एटलस वर्टिब्रा कामा एक्सिस वर्टिब्रा पर घूर्णन करती है और हाथ घुमाने की हलचल में रेडियस अस्थि अल्ना पर घूर्णन करती है। प्लीज सी द डिस्क्रिप्शन फॉर मोर इन्फॉर्मेशन।